बॉलीवुड में छाया है तलाक का सीजन, तो एक हफ्ते पहले ही ड्रीम गर्ल की बेटी के अलगाव की आई थी खबर। अब डिवोर्स रूमर्स के बीच पहली बार ऐशा देओल पब्लिकली आई नजर। जी हाँ, बीटाउन में इस वक्त जोड़ियों के अलग होने का सीजन चल रहा है। 3 दिन पहले ही जब पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने तीसरी शादी रचाई, तब जमाने को पता चला कि उनकी और पूर्व इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की 13 साल पुरानी शादी टूट गई है। वहीं सानिया से पहले गॉसिप्स के गलियारों में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल के घर टूटने की बातें सामने आई थी। कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र की बेटी अपने बिजनेसमैन पति भरत तख्तानी से अलग हो गई हैं और अपनी माँ हेमा के साथ उन्हीं के घर में शिफ्ट भी हो गई हैं। जहां अभी तक अलगाव की खबरों पर ईशा और भरत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, तो दूसरी ओर अपने डिवोर्स की खबरों के बीच ईशा देओल पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुई है। जी हाँ, तलाक की अफवाहों के बीच आज मंगलवार सुबह ही ईशा देओल को मुंबई एयरपोर्ट पर E24 ने अपने कैमरे में कैद किया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके तलाक की खबरें सुर्खियों में आ गई हैं। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं भाई, आखिर जब आज सुबह ईशा देओल अपनी माँ और एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी संग एयरपोर्ट पहुंची, तो मीडिया पेपराजी ने उन्हें जमकर कैप्चर भी किया, जहां इस दौरान ईशा नेवी ब्लू कलर की फुल स्लीव क्रॉप टी शर्ट और बैगी जीन्स और येलो स्नीकर्स में ऑल कैजुअल लुक में नजर आई। तो 75 साल की उम्र में उनकी माँ हेमा भी अपना स्टाइलिश लुक फ्लॉन्ट करने में पीछे नहीं रही। एयरपोर्ट पर ड्रीम गर्ल को व्हाइट एंड ब्लू कलर की लाइनिंग शर्ट, डेनिम जीन्स और व्हाइट शूज पहने हुए देखा गया। माँ बेटी की जोड़ी इस मौके पर बेहद प्यारी दिख रही थी, लेकिन लोगों का ध्यान तो इस दौरान सिर्फ और सिर्फ हेमा की लाडली ईशा पर ही टिका रह गया। आखिर लोगों ने ईशा के चेहरे पर मायूसी जो देखी, और इसी को देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस पर एक शख्स ने रिएक्शन देते हुए कहा व्हाई शी इज लुकिंग सैड, तो एक यूजर ने कमेंट कर लिखा ईशा मायूस लग रही है। एक दूसरे यूजर का कहना रहा कि वो इशारा दे रही है कि वो पति से अलग हो गई है। इस तरह से बाकी और यूजर्स भी ईशा के लुक को देख कमेंट्स करते हुए नजर आए। लोग जहां इस तरह की बातें इंटरनेट पर कर रहे हैं, वहीं हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से ईशा अपनी निजी जिंदगी में चल रही ऊंच नीच की वजह से खबरों में बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईशा और उनके पति भरत तख्तानी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसके पीछे का कारण भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जा रहा है। शादी के 12 सालों के बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी के रिश्तों में दरार की खबरें आ रही हैं। खबरें हैं कि दोनों के बीच के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं और दोनों जल्द तलाक ले सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सोशल मीडिया पर चल रही तलाक की खबरों पर ना तो ईशा और ना ही भरत का अभी तक कोई रिएक्शन आया है, लेकिन इन सब खबरों के बीच ईशा देओल सोशल मीडिया पर एक के बाद एक क्रिप्टिक पोस्ट जरूर शेयर कर रही हैं, जिससे लोग इन खबरों को सच मान रहे हैं। गौरतलब है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने 29 जून 2012 को बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। दोनों की दो बेटियां हैं, राध्या और मिराया। ब्यूरो रिपोर्ट E24।